नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो CHSL 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है और इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, तो उसके मैं सारे जीनियन और ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन था मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक का नाम क्या है। उसके बाद आप लोग का दूसरा क्वेश्चन था सूरी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो सूरी घाटी आपका जो है वो लद्दाख में स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन था इनमें कौन धातु का गुण नहीं है। तो धातु का गुण होता है आघात, वर्धनीयता, फिर तन्यता, फिर धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। यही तीन चार ऑप्शन होते हैं। अगर उनमें से ऑप्शन नहीं मैच कर रहा हो तो आपका सही आंसर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आपका था WHO कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो WHO कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इनमें कौन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनमें वाटर आपका सही आंसर होगा। पाकिस्तान की पहली महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, उसका नाम है शबनम अख्तर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह आपका 1856 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन था आपका पीर पंजाल में कौन सा दर्रा है। तो पीर पंजाल में आपका बनिहाल दर्रा है। फिर अगला क्वेश्चन था यंगेस्ट प्लेयर डेबट इन टेस्ट मैच। तो यंगेस्ट प्लेयर डेबट इन टेस्ट मैच वो आपका आंसर हुआ हसन राजा, जो पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं। सफ़ेद खो खाड़ी किस देश में स्थित है। तो सफ़ेद खो खाड़ी आपका काबुल कंट्री में स्थित है। वो एक क्वेश्चन था वर्ल्ड रेसलिंग से क्वेश्चन था। फिर अगला एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय जनगणना आंकड़ा 2021 का भी एक क्वेश्चन था। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप 5 अगस्त और 6 अगस्त की SSC CHSL के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।